शाइस्ता खान जैसे सिपह सलार को शिवाजी महाराज के हाथों मिली हार से औरंगजेब काफी बौखलाया हुआ था। दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था और सारे मुगल सिपह सलार महाराज के सामने नाकाफी ही साबित हो रहे थे। काफी सोच विचार के बाद औरंगजेब ने कचवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए दक्कन भेजा। उसने दिलेर खान को भी एक भारी सेना के साथ जयसिंह के साथ कर दिया। जयसिंह में भले ही मुगलाई नमक खाने के बाद कई बुराइयां आ गई हों, लेकिन वो अपने वचन का पक्का था। उसने महाराज को जान बख्श देने की शर्त पर समर्पण के लिए तैयार किया और वो अपने इस बात पर अंत तक अड़ा रहा। शिवाजी महाराज के प्राणों की रक्षा का वचन जयसिंह को काफी महंगा पड़ा और एक दिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जयसिंह और दिलेर खान की भारी भरकम सेना के सामने शिवाजी महाराज ने कूटनीति से काम लेना ही बेहतर समझा और उन्होंने जयसिंह से संधि वार्ता शुरू कर दी। एक दिन महाराज अकेले ही निहत्थे जयसिंह के शिविर में जा पहुँचे। जब शिवाजी जयसिंह के शिविर में थे तब दिलेर खान ने कई बार जयसिंह से अनुरोध किया कि वह दिलेर खान को शिवाजी की हत्या करने दे या फिर जयसिंह ही उनकी हत्या कर दे, किंतु जयसिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दिलेर खान बार बार कहता रहा कि शिवाजी की हत्या करने से बादशाह औरंगजेब बहुत प्रसन्न होगा, किंतु जयसिंह ने शिवाजी को वचन दिया था कि शिवाजी की सुरक्षा की जाएगी तथा बादशाह की तरफ से उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी किया जाएगा। जयसिंह की इसी गारंटी के साथ शिवाजी महाराज उनके साथ औरंगजेब के दरबार में गए। वहां जयसिंह के बेटे राम सिंह ने महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि आगरे में भी महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन जयसिंह और राम सिंह ने इसका सख्त विरोध किया। यही वजह थी कि जब महाराज औरंगजेब के किले से भाग निकले तो इसकी गाज इन्हीं पिता पुत्र पर गिरी। राम सिंह को दरबार से निकाल दिया गया और दंड स्वरूप जयसिंह को काबुल के मोर्चे पर भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद जयसिंह को बेइज्जती करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें काबुल से आगरा आने के लिए कहा। औरंगजेब की इस एहसान फरामोशी से जयसिंह बुरी तरह आहत थे। जयसिंह आगरे से निकले जरूर, लेकिन रास्ते में ही बुरहानपुर में उनकी मौत हो गई और इसी तरह औरंगजेब ने जयसिंह की तीन पीढ़ियों की खिदमत का सिला दिया।